जानते हैं कि चौथा पिलर होता है लोकतंत्र का। तीनों पिलर्स आप लोग ज्यादा पूर्वक संचालित करने में महत्वपूर्ण सहयोग देता है, वो प्रेस होता है। आप लोग की अहम भूमिका है कि ये तीनों जो हमने पहले बताया कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इन तीनों कॉम्पोनेंट्स को भी ये भी अच्छे से चले, इसमें भी आप लोग एक ट्रांसपेरेंसी लाते हैं। आप लोग जो खबरें लाते हैं, जो ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां संभव समय के अभाव में प्रशासन नहीं पहुंच पाता, पुलिस नहीं पहुंच पाती, तो इससे बहुत सहूलियत होती है प्रशासन को जनहित में काम करने के लिए। तो आप लोगों की बहुत महत्ता है। आज हम लोगों ने टॉपिक भी रखा, आप जानते हैं कि अभी जो पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, सामाजिक परिवेश चेंज हो रहा है, सोशल मीडिया की महत्ता बढ़ रही है, तो उसमें आपके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आप लोगों का इम्पोर्टेंस तो सबको पता है। आप लोग एक खबर कोई चलाते हैं तो यहाँ से लेकर के केवल हम बिहार की बात करें तो मुख्यालय तक वो खबर जाती है और क्षणों में कॉल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। आप लोग का इतना इम्पोर्टेंस है, चाहे आप व्हाट्सएप की बात करें, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, और अखबार तो है वो जिस दिन आता है उस दिन भी जैसे ही लोग सुबह सुबह खबर पढ़ते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं, सब लोग पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। तो आप लोग का बहुत इम्पोर्टेंस है, हम लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं मास मीडिया का। हम लोगों को अगर लोगों तक पहुंचना है, बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा सूचना लोगों तक पहुंचानी है, किसी प्रकार का एडवर्टीजमेंट है, किसी योजना का प्रचार प्रसार है, कोई काम हो रहा है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, विधि व्यवस्था की तैयारियां हमारी जो होती है कि लोगों को पता चले कि मान लीजिए छठ आ रहा है कि खतरनाक घाटों में हम लोगों को बैरिकेडिंग से आगे नहीं जाना है, जान माल का नुकसान हो सकता है, ये सारी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ये सब हम लोग आप लोगों के माध्यम से पहुंचाते हैं। उसमें समय भी कम लगता है और आप लोगों का रीच भी ज्यादा है, तो ये हम लोग करते रहते हैं। आप लोगों का सहयोग भी मिला है, जितने अभी तक पर्व त्यौहार हुए हैं, हमको आए हुए यहाँ 7 महीने हो गए हैं और हमने देखा है कि आप लोग हर चीज़ में एक्टिवली काम करते हैं और कई प्रेस बंधु तो हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कई चीज़ों में चलते भी हैं और चीज़ों को देखते भी हैं। बहुत सहूलियत होती है, यहाँ के इतिहास के बारे में जब पता चलता है हम लोगों को प्लानिंग करने में सहूलियत होती है, किस इवेंट को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, तो आप लोगों के फीडबैक से हम लोग अच्छा काम कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त आपके कुछ दायित्व भी हैं। दायित्व ये हैं, ऐसे तो आप लोग हमारे प्रशंसक भी होते हैं पुलिस प्रशासन के और क्रिटिक भी होते हैं। क्रिटिसिज्म भी इम्पॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी इम्पॉर्टेंट है। एक लोकतंत्र जो हेल्दी हो, स्वस्थ हो, उसके लिए क्रिटिसिज्म करना आवश्यक है, ताकि जो लोग काम करते हैं, जिन पर जिम्मेदारी है काम करने की, वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं, वो भी आत्ममंथन कर सकें, रिफ्लेक्शन कर सकें कि सही काम हो रहा है कि नहीं। लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। हम लोग अनवेरीफाइड चीज़ें यदि पब्लिक डोमेन में डाल देते हैं, कोई भी उसको हमने वेरीफाई नहीं किया, हमने या तो प्रशासन का पक्ष नहीं लिया, या तो जो न्यूज़ हमको जिसने बताया, कोई थर्ड पार्टी बता रही है, हमने पूछा नहीं कि वास्तविक अभी क्या स्थिति है। कुछ इंसिडेंट एसपी साहब ने भी बताया कि वो घटना हुई, घटना का निराकरण भी हो गया, लेकिन 24 घंटे बाद न्यूज़ चल रही है, तो इन सब चीज़ों से पैनिक स्प्रेड करने की स्थिति होती है। आप लोग जानते हैं कि कम्युनल घटनाएं बहुत सेंसिटिव होती है, छोटी सी जो चीज़ है, छोटा सा रूमर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है, कई जगह हम लोग देखते हैं, तो पैनिक नहीं कराना है। कुछ छोटी छोटी घटनाएं हैं, उसका ससमय जब निराकरण होता है तो हम लोग को ये भी समझना है कि कौन सी खबर हम लोग को किस समय चलानी है, नहीं चलानी है। तो एक जिम्मेदार होकर के पत्रकारिता करना, जिम्मेदार प्रेस बनना, ये भी आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खबरें बहुत होती हैं, लेकिन अगर हम लोग समाज में पैनिक स्प्रेड करेंगे तो उससे भी बहुत नुकसान होगा। आप लोग जानते हैं कि पैनिक इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन, तो ये भी हम लोग जिम्मेदारी पूर्वक करें, आप लोग करते भी हैं, लेकिन ध्यान देना है अपनी कम्युनिटी में ही, पत्रकार कम्युनिटी में ही। आप लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे पर निगरानी भी करते हैं और बहुत पॉजिटिव कॉम्पिटिशन है, किसी का ऐसा कोई नेगेटिव है नहीं। तो अरवल में पत्रकारिता अच्छी है, जो कहा गया था कि दिक्कत होती है प्रेस से, तो ऐसा हमको नहीं लगा। 7 महीने में आप लोगों ने सबने बहुत सहयोग किया है एंड वी कीप वेटिंग। हम लोग शांति समिति में भी आप लोगों को बुलाते हैं, सभी मीटिंग्स में बुलाते हैं कि अपना फीडबैक दीजिए, तो आप लोग का फीडबैक बहुमूल्य है। आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, कहीं हम लोगों से कमी रहती है तो वी वेलकम क्रिटिसिज्म, बताइए कि कहाँ पे हुआ है, और हम लोगों से समझिए भी, क्योंकि जब कोई काम करता है अगर कोई कमी है तो उसको भी समझना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं कह रहे, कोई भी सिस्टम चलता है, प्रशासन है, पुलिस है, किसी कार्यालय में आपने कोई एप्लीकेशन दे दिया 2 महीने से काम नहीं हो रहा, तो प्लीज़ जाके पूछिए कि क्यों नहीं हो रहा। हो सकता है वहाँ कोई टेक्निकल इशू हो सकता है कोई और इशू हो सकता है, उसके बाद आप निष्कर्ष पे आए कि अच्छा ये कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी जानबूझ के रोका जा रहा है, तो अच्छा ये जानबूझ के पदाधिकारी बदमाशी कर रहा है। तो बिफोर कमिंग टू एनी कंक्लूजन वेरीफाई आप लोग कर लें, क्योंकि आपके पास ताकत है।
एक मीटिंग में कहना, एक बंद कमरे में कुछ कहना वो अलग बात है, लेकिन आपका जो रीच है अभी आप लोग ये जो कर रहे हैं ये कितने लोगों तक चली जाएगी बात, तो इसको इसके इसके हम लोग पावर को समझें, इसकी ताकत को समझें और उतनी जिम्मेदारी से हम लोग काम करें। कहा गया है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप लोगों के पास ग्रेट पावर है, कभी कभी तो हम लोगों से ज़्यादा पावर आपके पास है, तो उसको अच्छे से इस्तेमाल करें और ऐसे ही सहयोग करते रहें। और हम लोग हमेशा हैं आप लोगों के लिए, कोई भी दिक्कत हो बताइए, हम लोग ससमय निराकरण करेंगे। और प्रेस डे के दिन हमने कहा है कि हम लोग साथ में केक भी काटेंगे, एक सॉर्ट ऑफ बर्थडे हम लोग मना रहे हैं, और आप लोगों को आगे के लिए शुभकामनाएं, हमेशा हम लोग साथ में काम करें। धन्यवाद। इसलिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। दूसरा एक तो है कि उसके दो आस्पेक्ट हैं, जैसे अगर मान लीजिए जनकपुर धाम में कोई रेप हो, कोई व्यक्ति पत्रकार हो, कोई व्यक्ति हमसे पूछते हैं कि सर रेप का पर्पस क्या है, काम आता है, खत्म हो जाए धीरे धीरे, सब लोग एक अच्छी जीवन धारा में क्या करें कि कुछ रोजगार करें, रोजगार के साधन बहुत है, ढेर सारे पैसा जिला प्रशासन की तरफ से रोजगार के लिए मिल रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप लोग अपराध के खिलाफ भी हम लोग के पक्ष में रहते हैं, जब भी कोई अपराधी पकड़ाता है तो आप लोग इसको निश्चित रूप से अच्छे से छापते हैं, जिला प्रशासन का नियम एम के द्वारा जो भी काम होता है तो देख रहे हैं कि आप लोग सर्विस को अच्छे से प्रोजेक्ट करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब कि कुछ अगर हम लोग से कुछ अगर कमी रह जाती है, हम लोग मतलब कि हर चीज पूरा जिला का पुलिस जैसे हम देख रहे हैं, तो पुलिस की तरफ से कोई होती तो आके डे टू डे हम लोग बैठ के बात कर लें, ये पता चला है जब आपने इससे देख लिया, तो इससे क्या होगा कि जो कुछ कमियां हैं हम लोग बैठ के सुल कर लें, जब बाद में अखबार में आप लिख देंगे खुद आपको ही पता चलेगा। जैसे अनिरुद्ध जी दो घटना बता रहे हैं, अनिरुद्ध जी की मतलब लीडर टीम में दो बातें हम बोल रहे हैं कि एक बार चला क्या कि तीन बच्चे एक मानिकपुर जो ओपी है वहाँ के चले गए थे घूमने, बताए नहीं टीचर को और निकल गए थे और चले गए